हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दीन बंधु सर छोटू राम ने अंग्रेजों के साथ समाज के कमेरे व कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़कर उन्हें अधिकार दिलाए हैं। वह समाज के सच्चे पद प्रदर्शक थे। हर युवा को आगे बढ़ाने के लिए दीन बंधु सर छोटू राम के मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। उप मुख्यमंत्री बुधवार को सेक्टर 12 स्थित जाट भवन में जाट सभा को आयोजित दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले सभी को दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती पर बधाई दी और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने समाज को नई दिशा दी और किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। ऐसे महापुरुष से हर व्यक्ति को प्रेरणा लेने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के आधुनिक युग में शिक्षा और खेलों का विशेष महत्व है। खुशी इस बात की है कि आज युवा लड़के और लड़कियां खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई जैसे संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं हमारे प्रदेश के खिलाड़ी खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी शिक्षा और खेलों में बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। युवाओं को इन योजनाओं से और अधिक लाभ मिल सकेगा। उन्होंने जाट सभा को बधाई दी कि उन्होंने ऐसे युवाओं को जाट सभा के अनुरोध पर सम्मानित किया है। उन्होंने शिक्षा और खेल में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे सम्मान से युवाओं में और ऊर्जा संचार होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह आगे बढ़े और आज के आधुनिक युग में सबको मौका मिला है। उन्होंने कहा कि जाट सभा द्वारा धर्मशाला के भवन के लिए अनुदान मांगा है, परंतु उन्होंने कहा कि वह युवाओं के भविष्य के लिए जाट धर्मशाला में ऐसा अनुदान देंगे जिससे युवाओं को लाभ मिले। इसके लिए उन्होंने युवाओं की उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए जाट धर्मशाला में मॉडल लाइब्रेरी बनाने के लिए 15 लाख रुपए तथा धर्मशाला परिसर में रेसलिंग के लिए मैट व धर्मशाला में पानी की टंकी बनवाने पर होने वाले खर्च को अपने ऐच्छिक कोष से देने की घोषणा की है। इस मौके पर जाट सभा द्वारा उप मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर केसी बांगड़, जाट सभा के प्रधान जोगिंदर लाठर, उप प्रधान सुभाष नरवाल, कृष्ण राठी, प्रेम शाहपुर, जगपुर सिंधु, संतोष धैया, पंकज पुनिया, अमरनाथ नरवाल, संदीप लाठर सहित जाट सभा के कार्यकारी सदस्य उपस्थित थे। काफी अच्छा कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बधाई दूंगा और उसे नीचे करो कि ऐसा कार्यक्रम आज करनाल के अंदर आयोजित हुआ जहाँ शिक्षा के स्तर में, खेल के स्तर के अंदर उम्र ना देखते जिन लोगों ने आउटस्टैंडिंग कार्य किया, आज दीन बंधु सर छोटू राम जी के याद करते हुए उनको सम्मानित करने का काम किया और उसी को आगे देखते हुए, क्योंकि इस भवन के अंदर बहुत जगह है, मैंने इनसे आग्रह किया कि अगर भवन और सोसाइटी के तमाम सदस्य चाहे, क्योंकि शिक्षा के स्तर के अंदर हमें भी अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और करनाल के अंदर आज एक मॉडल लाइब्रेरी की ज़रूरत है। हम देखते हैं बहुत से बच्चे यूपीएससी, मिलिट्री, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, पर कई बार वो पीछे इसलिए रह जाते हैं कि उनको प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो अगर ये प्रॉपर मॉडल लाइब्रेरी यहाँ बनाना चाहे तो मैं अपनी ओर से पूरा अनुदान देने का काम करूँगा। और साथ में, क्योंकि कई ऐसी हमारी बहनें थी जो रेसलिंग के अंदर, एक परिवार की तो 3 लड़कियां थी जो मेडल लेकर आई, अगर यहाँ पर ही कोच हायर करते तो रेसलिंग का मैट की व्यवस्था हम लाएंगे जिससे ट्रेनिंग व्यवस्था के अंदर भी फायदा। सर, आज सर छोटू राम की जयंती मनाई जा रही है, उसी के साथ अगर बात की जो किसानों ने, किसान यूनियन ने आरटीआई डाली है, उसमें धान घोटाले में कई चीज़ें ऐसी सामने हैं कि आरती ऐसे हैं जिन्होंने गेहूं सूरजमुखी की खरीदने की और 5-5 फर्में बनाई हैं और धान की खरीद की, केवल धान की खरीद की। धान की खरीद के अंदर मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास 64,00,000 मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट, एक बार नहीं दो बार उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हरियाणा सरकार ने कराई, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो को शेयरर हैं जिनके पास वो स्टोरेज है। और पहली फिजिकल वेरिफिकेशन और दूसरी फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ये भी पता चले कि कई मिलों में स्टॉक की कमी थी। महाराज, वो हालात नहीं है जो 2013-14 में थी, जब हम 70,000 मेट्रिक टन की शॉर्टेज के साथ ईयर ख़त्म किया था। अभी तो ईयर की शुरुआत है, 8 महीने पीडीएस के अंदर यही पैडी बंटना है, उसके बावजूद भी आज हम 1% 1.25% की शॉर्टेज पर हैं
जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1% परमिसेबल है, उसके बावजूद भी सरकार ने निर्णय लिया है कि जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा की शॉर्टेज है उसके ऊपर पेनल्टी क्लॉज भी लगाया जाएगा और उसके ऊपर आगे एक्शन भी लिया जाएगा कि आने वाले समय में ऐसी फर्मों को पैडी प्रोक्योरमेंट पर परमिशन ना दी जाए। और विपक्ष की बात जहाँ पैडी की बात है, विपक्ष को मैं खुली आज आपके सामने बात कहता हूँ कि आप सबूत लेकर आइए। और आपको लगता है कि आज भी किसी मिल के अंदर कमी है तो हम उस प्रोक्योरमेंट के को शेयरर हैं। हम 2 PV कराकर बैठे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो शायद 3 या 4 फिजिकल वेरिफिकेशन, जब तक हमारा आखिरी दाना पैडी का PDS सिस्टम में ना चला जाए हम दोबारा कराएंगे। हमें ना तो कोई रोक सकता। सर वो कह रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से चावल आ रहे हैं, टोटल चावल तो आपके माध्यम से तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ, जो हिम्मत हरियाणा ने दिखाई आप अपने अपने प्रदेशों में फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का काम करो। आज हम तो शॉर्टेज में नहीं है, पर अगर ऐसी कोई धांधली और प्रदेशों में तो उसकी पूरी तौर पर केंद्र सरकार को दुष्यंत जी, चुनावों से पहले आपका बयान आता था कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है हरियाणा में, अधिकारी कई जगह भ्रष्टाचार करते हैं, कई महकमों में करते हैं। अब आप सरकार में हैं, कितनी शिकायतें आपके पास अधिकारियों की आई हैं भ्रष्टाचार से? मेरे पास कम से कम 3 तहसीलदार तो रूल 7 रूल 8 के अंदर आज सस्पेंडेड है। एक्साइज टैक्सेशन के अंदर 1 जॉइंट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर, 2 ETO सस्पेंडेड है। सर मेरे ऑफिस लेने के बाद ही इंक्वायरी, अगर कोई भी अनियमितता मेरे महकमे में या किसी और महकमे में आती है तो हमने उसके ऊपर, इस सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का काम करें। करनाल से भी ट्रांसफर, और उसके लिए सबसे पहला कदम हमने रेवेन्यू को सुधारने के लिए बनाया है कि 1 मार्च से हर पहले मंगलवार को रेवेन्यू डे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसके अंदर SDM से लेकर कानूगो तक सारे SDM ऑफिस या तहसील में बैठने का काम करेंगे और जो एब्सटेन करेगा उसको फिर रूल 8 के अंडर उसके खिलाफ कार्रवाई हम करने का। सर भ्रष्टाचार अधिनियम का मामला क्यों नहीं करते? सारी सड़कें टूट गई, जितनी भी बनाई 15 दिन पहले, कोई महीना पहले PWD की जितनी सड़कें थी वो टूट चुकी हैं। रात को सड़क बनती है, सुबह टूट जाती है। रात को सड़क बनती है और सुबह सड़क, आप तीनों अलग तो बोल नहीं रहे, एक चीज बोल रहे हो। ये कह रहे सड़क रात को बनती है, सुबह टूट जाती है, सैंपल पास हो जाते हैं। ऐसी कौन सी सड़क आपके संज्ञान में है जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर है, जिसकी या तो उम्र 3 साल है या 5 साल है? आप उसका तथ्य के साथ मेरे को रिपोर्ट ला कर दीजिए, मेरे को महकमे से भी तो आप पे विश्वास करूँ, आप ला कर दो, इंडिपेंडेंट उसकी इंक्वायरी कराएंगे। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था है जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर भी सड़क टूटी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर ये PWD की सड़कें हैं, काफ़ी सड़कें आप भी बनी हैं थोड़े दिन पहले। आपको एक चीज़ आपके संज्ञान में लाता हूँ कि 6 क्रम से बड़ी सड़कें PWD जी, 5 क्रम की मार्केटिंग जी, 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 है। 3 और 4 क्रम की जो सड़कें हैं वो अभी मुख्यमंत्री ने सिरसी में कहा है कि पंचायती राज बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज की सड़कों को भी, शहर की शहरी निकाय की सड़कों को भी PWD में ले लेते हैं। हाँ एक प्रोजेक्ट जरूर PWD का लंबित था, कुरुक्षेत्र पिपली रोड से लेकर और Gate No. 3 यूनिवर्सिटी तक, उसके अंदर मैं करनाल काछवा रोड की कार, करनाल पेवा रोड की बात, उसके डॉक्यूमेंट्स चलो। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।